दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था, आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं, और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सलेंसी न्यूसी और हिज एक्सलेंसी रामोस होर्ताय जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं।